खुद से ही C++ और Java ये सीखा। पेरेंट्स चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे इंपीटस गुरुकुल के बारे में पहले से पता था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने भी यहाँ से, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे कहाँ पे मुझे जल्दी करना था, कौन सा मेथड यूज़ करना था, वो सब कुछ देखती थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा पैनिकनेस हुआ था कि टाइम भी जा रहा था, क्योंकि सिर्फ 70 मिनट्स थे मैथ सॉल्व करने के लिए। डीप ब्रेथ लेना है, पानी पीना, तो मैंने वही किया कि डिसीज़न आपका आपको खुद लेना है। तो मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं सर के हाथ से अवार्ड लूँ, तो मुझे ऐसे में एक साल पहले जो मैंने सपना देखा था कि मैं सर के हाथ से। चलिए लिमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं, सुरभि कुमारी से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 370 है, जो कि पटना बिहार से हैं। और सुरभि, सबसे पहले तो 370 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सुरभि के बारे में बता दूं, सुरभि ने ड्रॉप जरूर लिया था, पर फाइनल ईयर के साथ लिमसेट अपेयर नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम ही अपेयर हुई और फर्स्ट टाइम में ही 370 रैंक अचीव की। तो सुरभि, आपकी जो इंटायर जर्नी है वो बताएं। सबसे पहले तो ये कि आपने कब सोचा फाइनल ईयर में क्यों नहीं दिया था एग्जाम, वो भी बताइएगा। और फिर इस साल आपने जो इतनी अच्छी रैंक अचीव की है वो किस तरह से की? सर, 11th 12th में तो मैंने मैथ्स ले लिया था, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। और फिर उसके बाद जेई के लिए अपीयर तो हुई थी, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर कोविड आ गया था, तो अपने ही सिटी में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पे मैंने BCA किया, तो उतना अच्छा इन्वायरमेंट तो था नहीं वहाँ पे, तो नॉर्मल खुद से ही C++ और Java ये सीखा, तो उसमें अच्छा लगा था, इंटरेस्ट आया था। लेकिन फिर ऐसा था कि पेरेंट्स चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ, क्योंकि बाकी लोग और फैमिली मेम्बर्स भी सब गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट जॉब में, तो इसीलिए उनका था कि गवर्नमेंट जॉब करो। तो मैंने सेकेंड ईयर तक ग्रेजुएशन के लिए सिंपल पढ़ाई की, उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में जब आई तो लगा कि थोड़ा प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो बोरिंग सा लगता था। तो फिर मैंने फिर ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल गया, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे इसमें मन नहीं लग रहा, तो कंप्यूटर मुझे अच्छा लगता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग करना। तो शुरू में तो वो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद वो समझे, सपोर्ट किए। उसके बाद मैंने, मुझे इंपीटस गुरुकुल के बारे में पहले से पता था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने भी यहाँ से क्रैक किया था, यहाँ से एडमिशन लेके। तो फिर उसके बाद मैंने कोर्स सर का ले लिया, और फिर मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम से पहले ही कोर्स ले लिया था, लेकिन एग्ज़ाम फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा था कि फॉर्म भरा था आपने? नहीं सर, फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था जब मैंने डिसाइड किया, तो फॉर्म का डेट निकल गया था। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की मई में, तो उसके बाद फिर सर का कोचिंग क्लास किया, तो ऑनलाइन क्लास करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। सारे टेस्ट दिए सर, सर की सारी बातों को फॉलो किया, एनालिसिस किया, और टेस्ट में भी शुरू में तो लो मार्क्स आते थे, लेकिन फिर लगता था कि धीरे धीरे सर बोलते थे, मोटिवेट भी करते थे, तो उसे अच्छा लगता था। उसके बाद फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ी, तो फिर मैंने फिर इसी तरह मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। तो सुरभि, आपने क्योंकि पहले तो आप गवर्नमेंट, अक्सर मैंने देखा बिहार में बच्चे काफ़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चे करें, तो आपने एक तो लास्ट मोमेंट पे सोचा, इसलिए आपने NIMCET 23 नहीं भरा, पर इसके बाद भी आपने मन बनाया और फाइनली तैयारी की। तो अच्छा, घर पे रह के पढ़ाई करते समय क्या क्या चीज़ें थी? टेस्ट पेपर के एनालिसिस पर किस तरह से ध्यान देते थे आप? सर, टेस्ट के बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक ले लेती थी, उसके बाद फिर मैं जो टेस्ट देती थी उसको मैं देखती थी, उसके बाद जो मिस्टेक्स होते थे उनको देखती थी, या फिर जो करेक्ट भी है तो उसमें कितना टाइम लगा, कहाँ पे मुझे जल्दी करना था, कौन सा मेथड यूज़ करना था, वो सब कुछ देखती थी, और फिर उसका एनालिसिस करती थी, जिसमें मुझे 2-3 घंटा लगता था मैथ्स के एनालिसिस के लिए। फिर मैंने एक अलग से कॉपी बना ली थी, उसमें सारा एनालिसिस सब शुरू से लेकर एंड तक के सभी टेस्ट एनालिसिस करती थी, जो कि मुझे लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प किया। सर, मैंने उनको देख लिया था और वन शॉट नोट्स बनाए थे सारे, तो सर सभी टॉपिक्स के, तो उनको देख के मैं एग्जाम के दिन गई, तो मेरा एग्जाम अच्छा गया। ओके, तो जब एग्जाम पेपर आपने दिया, और क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही दिया था पेपर, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था? कई बार बच्चे, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट की रैंक है, ये बहुत अच्छी बात है, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? पेपर आने के बाद से पूरा माइंड सेट क्या था वो पूरा बताओ। सर, आपने पहले तो गाइडेंस बहुत अच्छी दी थी कि पैनिक नहीं करना है सब कुछ, लेकिन एग्जाम के दिन पता नहीं क्या हो गया था कि मैं एग्जाम का जब जैसे ही पेपर ओपन हुआ, तो शुरू में क्वेश्चंस आगे आगे बढ़ते गई, तो क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, क्योंकि शायद हो सके कि शुरू में ही टफ क्वेश्चंस मिल गए होंगे, तो लगा कि अब धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 10 मिनट 20 मिनट बीत गया और 2-3 क्वेश्चंस ही बने थे,
तो फिर मुझे थोड़ा सा पैनिकनेस हुआ था कि टाइम भी ज़्यादा था क्योंकि सिर्फ 70 मिनट्स थे मैथ्स सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा घबरा गई थी। फिर मैंने जैसे सर की बात याद है कि डीप ब्रेथ लेना है, पानी पीना, तो मैंने वही किया। उसके बाद मैं फिर से मैंने शुरू किया क्वेश्चंस बनाना, तो क्वेश्चंस बने थे मेरे, लेकिन फिर पता नहीं उसमें कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए मैथ्स में, तो उसी की वजह से रैंक थोड़ा सा पीछे हो गया, नहीं तो और अच्छा कर सकते। बिल्कुल सही बात, एक एक दो दो क्वेश्चन से रैंक का फर्क पड़ गया। इस बार बहुत ज़्यादा इसी बात का फर्क हो गया कि और बहुत ध्यान से प्रिपरेशन, बहुत ध्यान से एग्जाम देना हुआ, क्योंकि इस बार नंबर की वजह से बहुत हुआ, 5 नंबर और 10 नंबर की वजह से बहुत ज़्यादा रैंक पीछे चले गए। तो फिर मैंने इसी तरह से मैथ्स का कंप्लीट किया सेक्शन, फिर रीजनिंग भी सही गया था, और फिर कंप्यूटर इंग्लिश तो ईजी था तो वो सही ठीक गया था। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे और गर्ल्स को? गर्ल्स कई बार नहीं करती हैं, हिम्मत नहीं जुटाती हैं। यस सर, जूनियर्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि डिसीजन आपका आपको खुद लेना है, आपको किसी पे बर्डन फील नहीं करना, या फिर ये नहीं सोचना कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगी तो आगे होगा कि नहीं होगा। आपको बस अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, और अगर कोई नहीं भी समझे तो उन्हें अच्छे से समझाना है, और करियर का डिसीजन आपका खुद का है तो उस पर आपको सही डिसीजन लेना होगा, और जल्दी डिसीजन लेना होगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होगा, और इसी तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाना होगा। सुरभि, आप भोपाल फर्स्ट टाइम आए? यस सर। तो आप ये बताओ मुझे कि कल जब आपने अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, बहुत सारे बच्चों को सुना, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? आपके मम्मी पापा भी आए? यस सर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं एक खास बात बताना चाहती हूँ। मैं लास्ट ईयर जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं ऐसे ही, मुझे पता था कि अवार्ड सेरेमनी होता है, मैं यूट्यूब खोल कर देखी थी, तो उसमें मैंने पूरा अवार्ड सेरेमनी का पूरा वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसी समय मैंने अपने माइंड में इमेजिन किया कि मैं अगले साल काश मैं भी यहाँ पहुँच पाऊँ, मैं भी सर के हाथ से अवार्ड लूँ, तो मुझे ऐसे मैं इमेजिन करके खुश होती थी। तो फिर मैं उस, और वो मुझे मोटिवेट भी करता था आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। तो फिर ऐसे करते करते उसे मोटिवेशन मिला, तो वही कल सर, वो मेरा जो मैंने एक साल पहले जो मैंने सपना देखा था कि मैं सर के हाथ से खुद रिसीव करूँगी, स्टेज पर बोलूँगी, तो वो पूरा हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती सर। तो सुरभि, बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जैसे आपने अभी बोला कि अब जो जूनियर देख रहे होंगे कि आपका ये अगर ड्रीम है कि मेरे से अवार्ड लेना है, तो मतलब है आपकी सक्सेस तय है, क्योंकि अवार्ड मिलेगा उनको जो सक्सेसफुल है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सुरभि, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, कंप्रोमाइज नहीं किया, इनफैक्ट आप गवर्नमेंट जॉब से निकल के आईटी फील्ड में आए, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जो ग्रोथ और जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो शायद गवर्नमेंट, एक तो जॉब बचे नहीं है और बहुत सारी फाइटिंग है वहाँ, तो आप ऐसे ही आप आगे बढ़ो, और अपने कॉलेज में भी जहाँ पे भी जिस NIT में जाओ वहाँ पर भी ऐसे टॉप परफॉर्म करो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।